उदयपुर में हुई चाकूबाजी के बाद अपने बेटे से मिलने पहुंची माँ बेटे को देख समझ गई कि वह उसके साथ नहीं रहा। देवराज की माँ को अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ द्वारा बाहर बैठने के आग्रह पर वह गुस्सा हो गई। उन्होंने अपने बेटे के साथ रहने की मांग की। गुस्से में देवराज की माँ और कुछ महिलाएं मुखर्जी चौक पहुंच गई और वहां धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही कई लोग वहां एकत्रित हो गए, जिससे वहां माहौल गर्मा गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और माँ से समझाइश कर माहौल को शांत करवाया। इस पूरे मामले पर देवराज की माँ ने क्या कुछ कहा, यह आप खुद ही सुन लीजिए। कल रात को 12 बजे में मिलने गई मेरे बच्चे से हॉस्पिटल, है ना, जो बाहर सो रही थी। मेरे हस्बैंड मिलने गए, मेरे को बाहर आके क्या बोल रहे कि नीमा कुछ नहीं है देवराज के, तो ऐसे कैसे, चलो बोले नाची के करवाने लेते हैं और जाते हैं। मैं अंदर गई, मेरे को नहीं जाने दे रहे थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, एक बार फिर मेरे को अंदर ले गए, तो मैंने बोला इसके हाथ ऐसे क्यों है, वो इतना मोटा ऐसा लड़का है मेरा, ऐसा इतना मोटा हो गया ऐसे कैसे, नहीं इलाज हो रहा है, कुछ खाया ना कुछ पिया। अरे आप कौन हो उस लड़के के, आप कौन हो? कोई नहीं बोले, उनकी मम्मी है। अच्छा, मैं जब उसको पानी लगा के करवाने तो उसके हाथ ऐसे करा, मैंने उसकी आंखें पर इतनी बड़ी पड़ी है, मेरा बच्चा कैसा है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें कैसे। अबे आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ उसको? उसके बाद मैंने उसको हलचल करा, कोई रिसेप्ट नहीं दिया मेरे को कि मम्मी मैं हूँ। तीन दिन से उसके बाद क्या हुआ, है ना, फिर मेरे को बोला बाहर चलो, चलो ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाहर बैठे, उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे वाइफ हम दोनों बातें कर रहे थे। इतने जासूस एक फोन कर रहे हैं कि क्या बातें हो रही, इधर सब इधर आओ। अभी आपको उन्होंने क्या बताया? एक गाली दी, वो भी बोले मेरे हस्बैंड और मैं बैठे थे। अच्छा, पुलिस की क्या जरूरत थी उधर? हाँ, सिक्योरिटी के लिए, जब मेरा परिवार इतना था ना, तब 2 पुलिस मेरे पास रहती। मैंने बोला अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं उदयपुर में कुछ नहीं छोड़ूंगी। पुलिस को डर लगा है कि अगर ये कुछ कर देगी तो उदयपुर बंद हो जाएगा। इनको बाहर निकाल दिया फिर से। मैंने बोला मेरे को रूम में सबके पैसे है, बच्चे है, हर कोई आईसीयू में भर्ती है। रात की बात है, रात की, कल की बात है। तो सबके घर वाले अंदर एक रूम में सब सो हुए, 10-15 लोग सो रहे हैं। तो क्या बोला, जो आईसीयू वाले उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ सोएगा, तो भाई मैं सोऊंगी क्या, मेरी जगह नहीं सोएगी, है ना। मेरे को सुला दिया, थोड़ी देर के लिए सुला दिया। फिर मेरे को 1-2 बजे मैंने बोला एक बार और देख के आते देवराज को, है ना। आज सबको भनक लग गई कि इसकी मम्मी को पता पड़ गया कि लड़का है ही नहीं, है ना। उसके बाद ये पुलिस घूम रही है मेरे पीछे पीछे, घूमे, मैं बाथरूम में जाऊँ तो बाथरूम में पुलिस। मैंने बोला बाहर गार्ड बैठी थी कि भाई मेरे को बच्चे से मिलना है, तो वो क्या बोल रही है नहीं मिलने दीजिए। तो क्यों, तो ऊपर से ऑर्डर मना आया है, तो क्यों, उसका इलाज चल रहा है। अरे यार, मशीन लगाया तब तो सांस चल रही थी, अभी मशीन निकली नहीं, सांस तो निकल गई। खाली 50% है जिसमें 20% मेरे बच्चे की है और 30% सरकारी की है। ईमानदारी से है ना, है ही नहीं अपना लड़का है ही। मैंने बोला क्या कहा वो गोली देवर का। उसके बाद मेरे को डॉक्टर साहब ने बाहर सब खड़े थे, 4-5 जने भी आए। अरे 2 दिन त्योहार मना लो, उसके बाद देख लेंगे। क्या देखना है, क्या देखना है मेरे को बताओ। त्योहार तो बार बार आए, और मैंने बोला वो भी मैंने आज के दिन, आज की रात निकाल दो। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपके बाप की बात मानती हूँ, मैं आज की रात निकाल लूँ, मैं रात निकाल ली, है ना। उसके बाद मेरे को ठंड लग रही है, ऐसी ठंड लगी मेरे को, मेरी पर्ची पड़ी है मेरे पास, मेरे को दवाई लिखी दी है। तो मैंने बोला मेरे को अंदर जाके सोने दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज हवा आ रही है, तो मैं अंदर जाके सो। नहीं, आपको अंदर जाने का ऑर्डर है ही नहीं, आपको अंदर जाने का ऑर्डर है। अरे क्यों नहीं है, हर पेरेंट तो लोग एक एक लोग उसके अस्पताल में जो पेशेंट है उसके घर पे सो रहे हैं, तो मैं क्यों, मेरे को क्यों नहीं अंदर जाने दे रही है लोग, नहीं कुछ भी हो जाए। फिर मैंने बोला अगर नहीं खोला तो आज ये गेट टूटेगा, मैं गेट तोड़ दूंगी लात मार के, क्योंकि मेरे को डाउट है कि कुछ ऐसी बात हुई है जिस उसके बाद अंदर जबरदस्ती गई, कोई नहीं बोलेगा, मैं अंदर जबरदस्ती गई, कोई नहीं काटेगा, काटना नहीं है। अगर तुम तुम्हारी माँ की औलाद हो ना तो नहीं काटोगे और ये वायरल करोगे, एक बाप की औलाद हो।
रहनी चाहिए। मैं बाहर सोई, बाहर बेंच पे सोई मैं, मेरे को ऐसी ठंड चढ़ रही है, मेरे को उल्टी हो रही है। अरे मैडम मेरे को अंदर सोना दो, फिर मेरे हाथ छोड़े, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं मेरे बेटे को भी नहीं देखूंगी। मेरे बेटे को तुम्हारे भरोसे छोड़ा है, मैंने उसके हाथ छोड़े, फिर मेरे को अंदर जाने दिया। फिर मेरे को 10-15 मिनट में 5 बजे तक सोई, उसके बाद मैं उठी, मैंने बोला मेरे को अंदर क्यों नहीं जाने दिया। अरे इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है, इतने बाबा चलो इलाज करो। अब उसके बाद भी मेरे को उल्टी हो रही है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, पर कोई घेर के पास नहीं जाने दे रहा मेरे को। अरे मारी जेठानी अंदर होती थी, मैं उसको बाहर बोला था, उसको चाय पिला था, चाय अंदर नहीं जाना। कल का टाइम मांगा था कि आज की रात तुम्हारे छोरे को छोड़ दो, देखो कल ठीक हो जाएगा। मैंने छोड़ दिया ना, अब आज वो गार्ड भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, और वो जो मारने वाला भी इधर है। ठीक है, उस गार्ड से मैं बोलूंगी।